हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन। वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। तो आज की इस वीडियो में हम कोई रूमर्स, कोई लीक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आज आपको रियल स्पेसिफिकेशन और रियल फोन्स के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वन प्लस जो है अपने नए फ्लैगशिप फोन्स कुछ ही दिनों में रिलीज करने वाला है, लॉन्च करने वाला है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वन प्लस की हिस्ट्री में, लाइक उनके पूरे इतिहास में, वो फर्स्ट टाइम एक से ज्यादा फोन जो है वो मार्केट में रिलीज करने वाले हैं एक ही टाइम पे। हमेशा वन प्लस जो है एक फोन रिलीज करता था, लेकिन अब वो जो है एक से ज्यादा फोन रिलीज करने वाले हैं। तो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में भी हम लोगों को बहुत कुछ मालूम है, तो मैं वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो खुद उनके जो सीईओ है पैटी लॉय, उन्होंने द वर्ज को जाके बताई है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हुआ है। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है और क्या इसका प्राइस होने वाला है, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस करके, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो पैटी लॉय ने खुद बताई है वर्ज को, तो उसमें उन्होंने जो मेन पॉइंट, जो मेन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो था डिस्प्ले के ऊपर। उन्होंने बिल्कुल डिस्प्ले जो भी होने वाला है 7 Pro 5G का, उनके उसके ऊपर उनका मेन ध्यान था। उन्होंने ऐसा कहा है, उनका एक वर्डिक्ट है कि भाई जब मैंने पहली बार इस खुद डिस्प्ले देखा तो मैं खुद मतलब चौंक गया था इस डिस्प्ले को देख के, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले होने वाला है वो 90 Hz का होने वाला है। लाइक 90 Hz आपका डिस्प्ले मिलने वाला है, और स्मूथ और क्रिस्पी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। 7 Pro और 7 Pro 5G जो है वो बिल्कुल कंफर्म है कि इसमें आपको 90 Hz का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन वन प्लस 7 के बारे में इतना कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो बाकी के दो फोन है उसके बारे में पूरी तरीके से हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। और अगर मैं बताऊं आपको 90 Hz के बारे में, तो भाई 90 Hz के जो डिस्प्ले होते हैं वो स्पेशली गेमिंग फोन के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे कि रेजर का जो फोन आया था वो 128 Hz का था, और आसूस का जो रॉग आया था उसमें 90 Hz का था। तो ये जो दोनों फोन थे वो गेमिंग फोन थे, तो उसके अंदर 90 Hz का डिस्प्ले लाइक बहुत बहुत ज्यादा क्रिस्पी आपको देखने को मिलेगा, स्मूथ भी चलेगा। लाइक आप जैसे आप स्वाइप करोगे आपको अलग ही पता पड़ जाता है कि भाई इतने हर्ट्ज पे जो है ये फोन चल रहा है। तो ये तो जो डिस्प्ले है उनका जो मेन फोकस डिस्प्ले के अंदर होने वाला है। और बाकी अगर मैं दूसरे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, तो आपको ट्रिपल कैमरा मिलने वाला है, और जितनी भी टॉप नॉच जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो आपको मिलने वाली है, लाइक स्नैपड्रैगन 855 और बाकी की जितने भी होती है 10GB 12GB जो वन प्लस फेमस है वो चीज़ जो होने वाली है, लेकिन डिस्प्ले जो है वो मेन होने वाला है। और अगर मैं अब इसके प्राइस के बारे में बात करूं, तो वन प्लस 7 का जो प्राइस है वो भाई हाई होने वाला है वन प्लस 60 से, मतलब लाइक वन प्लस 60 का प्राइस अराउंड 35-36 हज़ार है इंडिया के अंदर। तो भाई उससे ज़्यादा का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा वन प्लस 7 का, और 7 प्रो का उससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ और ज़्यादा एडवांस आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लाइक कैमरा अच्छा मिल जाएगा और डिस्प्ले वगैरह आपको अच्छा मिल जाएगा। तो ये मैंने कुछ प्रोज बताए इन फोन्स के बारे में, लेकिन मैं सारी अच्छी अच्छी बातें ही नहीं कर सकता हूँ, इसमें कुछ कॉन्स भी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला कौन, जो मेजर कौन जिसके कारण मैं भी खुद एक मतलब डिसअपॉइंट हुआ है ये सुन के, वो ये है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लाइक 7 प्रो में तो फिक्स है कि आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं दे रहा है वो। और अगर मैं दूसरी जो है वो कमी के बारे में बात करूं, तो वो ये है कि भाई वन प्लस 7 Pro 5G का जो प्राइस है वो भाई हाई है, उसकी वजह से इसका जो ग्रो है, इसकी जो ग्रोथ है वो कैसी होगी हमें कुछ नहीं पता। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वन प्लस जो है वो कंपनी इसलिए जानी जाती है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी बैटरी लाइफ, उसकी डिस्प्ले, उसका कैमरा, ये सब के अलावा जो उनका मेन मोटिव होता है वो होता है प्राइस। लाइक बजट, लाइक इंडिया में 35-40 हज़ार बजट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक फ्लैगशिप फोन जो है वो बजट में आपको मिल जाता है, जो आराम से सैमसंग के जो S10 जो आईफोन है, बड़े बड़े आईफोन जो है उन सबको आराम से टक्कर दे देता है। तो ऐसे फोन का जो प्राइस है वो 35-40 हज़ार होता था, लेकिन अब जो है वन प्लस जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उसका एक्सपेरिमेंट अब देखते हैं कि कैसा जाता है, क्योंकि वन प्लस 7 Pro का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है एज कम्पेयर टू अदर जितने भी उनके वन प्लस के फ़ोन थे उससे। अब सीधी सी बात है यार, हर कंपनी जो है वो ग्रो करना चाहती है। वन प्लस ने ट्रस्ट लेवल इंडिया के अंदर बहुत बड़ा स्तर से कर लिया है, इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड में वन प्लस का नाम अच्छे खासे बड़ी बड़ी प्रीमियम कंपनी के बीच में आने वाला है, हो चुका है। तो अब देखते हैं ऐसे में कि वन प्लस 7 Pro जो है 5G वेरिएंट है वो कैसे चलता है मार्केट में, क्योंकि अभी 5G का जो नेटवर्क है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है।
तो अब आगे जो है हमें देखने को मिल जाएगा, और कुछ दिनों बाद इस फोन का जो है रिलीजिंग डेट है और सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो में आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं आप लोगों को OnePlus 7 Pro के बारे में बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं OnePlus 7 की जो न्यूज है वो आप तक सबसे पहले लेकर आ सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।